हैंग स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। ठीक, थैंक यू। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम में हम देख रहे थे कि पावर के बेसिस पे हम ब्रेक को क्लासिफाई कर रहे थे। पावर के बेसिस मतलब किस पावर में आप यूज कर रहे हो, किस पावर को यूज कर रहे हो ब्रेक लगाने के लिए। मैकेनिकल ब्रेक था, फिर फ्लूड को यूज कर रहे थे तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाता था, एयर को यूज करते थे या तो एयर या न्यूमेटिक ब्रेक कहलाता था, वैक्यूम को यूज करते थे ब्रेकिंग के लिए तो वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम यानी वैक्यूम ब्रेक कहलाता था। और फिर अब ये दो बचे हैं हमारे, ये हमने कर लिए थे। वैक्यूम ब्रेकिंग वाला जो डायग्राम था वो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे था वो। ठीक है, दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमने लास्ट टाइम समझ लिया था कि कैसे वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्रेकिंग लगाने के लिए। अब हमारा जो पोर्शन है वो है अब मैग्नेटिक ब्रेक। ठीक है, तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग को देख लेते हैं एक बार। मैग्नेटिक ब्रेक का मतलब सिंपल सी बात है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ कर रहे हो यानी एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा करने के लिए, और उस मैग्नेटिक फोर्स को यूज़ कर रहे हो ब्रेक लगाने के लिए। तो आपने देखा है एक सिंपल सी लॉजिक, आपको पता है कि जब भी हम एक मैग्नेट को रखेंगे, मैग्नेट को मैग्नेटाइज करेंगे, देखिए जैसे ये डायग्राम दिख रहा है मैग्नेटिक ब्रेक का। ठीक है, तो ये शाफ्ट है आपकी, ये हब लगा हुआ है, व्हील हब। ठीक है, जो टायर जिसके ऊपर व्हील माउंट होता है। अब ये क्या सिंपल सी बात है, यहाँ आप ये समझोगे कि एक परमानेंट मैग्नेट लगा रखा हमने या मैग्नेट लगा लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कॉयल लगा रखे हैं यहाँ पे, जब भी हम ब्रेक लगाना होगा। ठीक है, तो ब्रेक डिसंगेज करना है तो हमारा नॉर्मली चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाने की जरूरत नहीं। जब हम पैडल प्रेस करेंगे, एक मिनट, ये चार्ज नहीं है क्या, केबल कनेक्टेड नहीं था इसलिए। तो हमने ये देखा था कि जैसे मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है और इसके पास में हमने कॉयल लगा दी है, ऐसे या तो इसके आसपास कॉयल लगा लो ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा रखा है, ये कॉयल है आपकी, ये आपका मैग्नेट है। जब मुझे ब्रेक लगानी होगी तो मैं क्या करूँगा, उस ब्रेक से फोर्स पैडल ब्रेक दबाऊँगा तो पावर ऑन होके इलेक्ट्रिक मोटर से इस कॉयल के थ्रू करंट पास होगा, और वो करंट क्या करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी इस कॉयल में, क्योंकि जब भी एक वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी मैग्नेटाइज मटेरियल मैं रख दूं, जैसे कि ये मैग्नेट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं दोबारा, ये मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, कॉयल है, ये कॉयल यहाँ से मान लो इलेक्ट्रिक मोटर से वायर आ रही है, और ये वायर ये कॉयल के साथ कनेक्टेड है, ये कॉयल है मान लो इस तरह से। अब ये जैसे ही मैं पैडल दबाऊंगा तो उसके थ्रू ये जो मोटर से कनेक्टेड है, मोटर से जैसे ही पैडल दबाऊंगा तो उससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक मोटर को सिग्नल मिलेगा कि करंट पास कर दो, तो करंट पास कर देगा ये। जैसे ही ये करंट पास करेगा इस कॉयल के अंदर करंट आ जाएगा आई, इस करंट आई की वजह से क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लग जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लग जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल रख दो, जैसे ये मैग्नेट रखा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसको एफ बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो व्हील है उसके ऊपर जो ब्रेक लगना है वो ब्रेक अप्लाई कर देगा। तो इस तरह से हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं फोर्स लगाने के लिए। अगर हम मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है भाई, इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी चीज़ कांटेक्ट में नहीं रहती। जैसे डिस्क ब्रेक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, आपका कांटेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। जैसे बाकी जगह पे क्या हो रहा था, डिस्क ब्रेक थी तो आपका ये फ्रिक्शन पैड थे, तो ये हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते थे इस पॉइंट पे,
जैसे अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊं तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन होता था और यहाँ पे भी फ्रिक्शन होता था, जिसकी वजह से क्या होता था आपका वेयर एंड टेयर होता था, वेयर एंड टेयर। तो वो वेयर एंड टेयरिंग की वजह से इसकी लाइफ जो थी वो कम हो जाती थी। लेकिन मैग्नेटिक ब्रेक लगाने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो अपने आप उसकी फोर्स को रोकने की कोशिश करेगा तो आपका व्हीकल अपने आप स्टॉप हो जाएगा, कोई भी वेयरिंग या टेयरिंग होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रिक्शनलेस ब्रेकिंग सिस्टम भी इसे कहा जाता है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ब्रेकिंग सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई वेयर एंड टेयर नहीं होता। और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम कोई प्रेशर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से मैग्नेटिक फोर्स पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उसे व्हीकल को स्टॉप करने के लिए काम में आ रहा है। तो कोई भी प्रेशर का इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे बाकी में वैक्यूम प्रेशर, एयर में एयर प्रेशर, फ्लूड में फ्लूड प्रेशर, उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। और इसका रिस्पांस बहुत क्विक होता है क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन होगी, करंट पास करते ही, ब्रेक लगाते ही करंट पास होगा, करंट जैसे ही पास होगा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और मैग्नेट पे तुरंत जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत क्विक होता है, सबसे फास्ट मैकेनिज्म है जिसमें बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स इसका बहुत फास्ट है, आपको पता ही है करंट कितनी स्पीड से फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड क्या है, उस स्पीड से वो वायर में से फ्लो कर रहा है और तुरंत वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल ब्रेक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक सिस्टम में दो तरह के आते हैं, प्लगिंग ब्रेक्स और रीजनरेटिव ब्रेक्स, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक का मतलब है आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो ब्रेकिंग लगाने के लिए, यानी अगर आपको ब्रेक लगाना है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से यूज़ होगी, इलेक्ट्रिक मोटर से यूज़ होगी। इलेक्ट्रिक मोटर से आपका क्या होगा, एक वायर जाएगा और ये व्हील के पास जाएगा और ये क्या करेगा, यही आपका सोर्स है इलेक्ट्रिक मोटर। जब भी हम पैडल दबाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक मोटर से जाएगा और वो बताएगा कि भाई मुझे ब्रेक लगाना है। तो जब हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेक लगाने के लिए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो प्लगिंग ब्रेक्स कहते हैं और रीजनरेटिव ब्रेक्स, इसके वीडियोस भी हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं इसमें इतना जाना नहीं चाहता, आप लोग कर सकते हो आराम से खुद ही, लेकिन मैं आपको बस हल्का हल्का बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इसमें, है ना। प्लगिंग ब्रेक्स क्या है, व्हेन द ब्रेक पैडल इज प्रेस द इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इक्विप्ड विद प्लगिंग ब्रेकिंग द पोलैरिटी ऑफ द मोटर चेंजेस विच इन टर्न रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मोटर एंड कॉज द ब्रेकिंग, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आपका जो पास हो रहा है करंट, जैसे मान लो ये पैडल है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये आपका पैडल है ब्रेक पैडल, अब यहाँ ये मोटर से कनेक्टेड है सेंसर के थ्रू, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, ये आपका व्हील है जहाँ पे आपका वो ब्रेक वाला सिस्टम लगा हुआ है, या तो ड्यूल बोल ये ड्रम ब्रेक बोल लो या डिस्क ब्रेक बोल लो, अब इससे ये वायर से कनेक्टेड है। अब ये क्या बोलता है, आप जैसे ही पेडल पे प्रेस करोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर से एक व्हीकल जाएगा, एक मिनट होल्ड करना, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, आवाज करेगा नहीं तो। हाँ, इलेक्ट्रिकल मोटर से आपका करंट पास होगा जैसे ही पेडल दबाओगे, तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही करंट पास होगा ये इसकी पोलैरिटी को रिवर्स पोलैरिटी में चेंज कर देगा, जो पहले नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा था अब वो नहीं करेगा, अब उसकी रिवर्स पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हुई यानी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट में ये करंट फ्लो कर रहा, तो वो क्या करेगा, इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये व्हीकल को स्टॉप करता है, इसको बोलते हैं प्लगिंग ब्रेक्स, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इसका पूरा वीडियो देख लेना, समझ लेना, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इट इज द टाइप ऑफ ब्रेकिंग, इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इन विच एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग द मोटर विच इज द मेन पावर सोर्स ऑफ द व्हीकल बिकम्स द जनरेटर, ठीक है। जब आपका मोटर है वो क्या बन जाता है, आपका मेन सोर्स ऑफ द व्हीकल जो है वो जनरेटर बन जाता है। एंड व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड द पावर सप्लाई टू द मोटर कट्स ऑफ ड्यू टू विच द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द व्हील बिकम्स द रोटेटिंग फोर्स फॉर द मोटर, ठीक है। जो व्हील का आपको इलेक्ट्रिक मोटर से सप्लाई मिल रही है और इसकी वजह से ये चल रहा है, सेम वही चीज़ है, बस इसमें ये इसमें डायरेक्शन रिवर्स कर रहे थे, इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है। अब ये मोशन मोटर से मिल रही है, यहाँ पे ये मोटर है जिस इलेक्ट्रिकल मोटर जिससे आपको व्हीकल को एनर्जी मिल रही है चलने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होगा, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो मोटर क्या होगा, वो आपका जनरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा,
एक जनरेटर की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। और जब आप ब्रेक लगाओगे तो पावर सप्लाई जो जा रही है मोटर को वो कट ऑफ हो जाएगी, पावर सप्लाई जो जा रही है मोटर से इसको व्हीकल को वो कट ऑफ हो जाएगी, वो कट जाएगी, ठीक है। और जितने भी जनरेटर से आपको सप्लाई मिलेगी अब वो क्या करेगी, इसको इसके रोटेटिंग फोर्स को रोकने के काम आएगी। तो अभी रोटेटिंग की जगह इसको स्टॉप करने के काम आएगी। तो जनरेटर जो होगा वो इसको क्या करेगा, क्योंकि पोलर डायरेक्शन उसकी फिर से रिवर्स हो जाएगी, तो इसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो यही है इसमें, इन्होंने परेशान कर दिया फोन कर करके, क्या समझ में आ गया। और इतना ये वाला आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे में एक्चुअल में बेसिकली तीन ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, वही देखनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक, प्लगिंग ब्रेक्स और रीजनरेटिव ब्रेक। अब दूसरा देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है हमारी। दूसरी है ऑन फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट बेसिस, यानी कि फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट कैसा है। अब ये सारा हमने कर रखा है, अब मेरे को बस आपको बताना पड़ेगा सिर्फ कि क्या क्या है। तो हमने डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक पढ़ा है, तो ये कहता है कि फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट जो है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रेक्स को। तो हमने एक देखा था डिस्क ब्रेक, उसमें एक डिस्क होती है उसके बेसिस पे फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट होता है फ्रिक्शन पैड और डिस्क ब्रेक के बीच में, जो आपके बाइक वगैरह में भी लगती है, लाइट व्हीकल्स में, कार्स में, इनमें भी यूज होती है, ठीक है। और एक होता है ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक में हमने देखा था कि ये व्हील है, कार्स वगैरह, बस, ट्रक सब में लगता है ये व्हील। और इसके यहाँ ब्रेक शू ऐसे होता था, ये एक ब्रेक शू ऐसे होता था, जो कि ये साइड में डायग्राम में आपको दिखा ही रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का, तो आपका जो ड्रम ब्रेक होता था उस ऊपर से क्या होता था, एक व्हील सिलेंडर लगा होता था और एक साथ में यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती थी। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो दो तरह से फ्रिक्शन हो सकता है, वो दो तरह से इसको क्लासिफाई किया है। अभी दो तरह से कैसे क्लासिफाई हुआ वो मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में। ड्रम ब्रेक हो गया एक, एक हो गया डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक, और आपका ड्रम ब्रेक को बोलते हैं इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। इंटरनल एक्सपेंडिंग और ये एक्सटर्नल कैसे आ रहा है इसका नाम वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आपका डिस्क लगता है बाइक में, ठीक है, यहाँ पे जैसे बाइक है, ये आपका फ्रिक्शन पैड था, एक मिनट, ये आपका फ्रिक्शन पैड था, ठीक है, और ये आपका बीच में डिस्क ब्रेक होता था जो एक एक्सेल पे माउंटेड है, जिसके ऊपर आपका पूरा व्हील माउंटेड है, ये व्हील माउंटेड है, ऐसे ही होता ना। अब ये जो फ्रिक्शन पैड है इसके यहाँ आपका फ्रिक्शन लाइनिंग लगी है, ये ब्रेक लाइनिंग बोल लो इसको, मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ, रेड कलर से, ठीक है। ये आपकी फ्रिक्शन लाइनिंग है, जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब इनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो ये जो आपका अब ये डिस्क ब्रेक का सरफेस देखो, ये बाहर वाला सरफेस जो है जहाँ पे फ्रिक्शन होगा वो, जैसे मान लो मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन होगा जब ये कांटेक्ट में आएगा, जब आप ब्रेक पैडल अप्लाई करोगे। तो ये वाला जो ब्लू सर्फेस है, ये डिस्क ब्रेक के इंटरनल सर्फेस है, आउटर सर्फेस है, ये आपका डिस्क है, और इसके डिस्क के आउटर सर्फेस पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। हेलो भाई, आवाज बंद कर दो जरा। हेलो हर्ष, हर्ष भाई सोते रहते हैं, ये क्लास नहीं करते, अपना कूलर चला के सो गया बस। यहाँ पे आपका डिस्क ब्रेक है, और ये आपका साइड में आपका क्या है, ये यहाँ पे जहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, ये एक्सटर्नल सरफेस है ना डिस्क का, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक, कि आपके एक्सटर्नल सरफेस पे ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन जो हो रहा है वो एक्सटर्नल सर्फेस पर हो रहा है, इसलिए ये एक तरह का क्लासिफिकेशन ऑन द फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट एरिया। फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट कहाँ हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर क्लासिफाइंग योर ब्रेक। तो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक हो गया। अब दूसरा जो है वो ड्रम ब्रेक, वो कैसे है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये यहीं लिया है, ये ले लेते हैं, ये देखो, ये आपका क्या है, ड्रम ब्रेक का एग्जांपल दिया हुआ। माउस खराब हो गया मेरा, जूम ही नहीं कर पा रहा, छोड़ो। ये जो है आपका ब्रेक शू है,
ठीक है, और ये जो ड्रम ब्रेक है ये ऊपर, ये सबसे आउटर सरफेस में ये ड्रम ब्रेक है। अब इनके बीच में फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगी रफली? ये इस पोर्शन में होगी, जैसे रेड कलर से दिखाऊं तो ये इस पोर्शन में, यहाँ पे। अब ये ड्रम जो था वो इस तरह से था, और इसके अंदर ये ब्रेक शू था। तो ब्रेक, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक लगाने के लिए, क्या होता है, ये ब्रेक शू इसके पास जाता है। तो ये ड्रम ब्रेक का इंटरनल सरफेस है जहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है, या आउटर सरफेस है, ये जैसे ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये ड्रम ब्रेक का इंटरनल सरफेस है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनल। और एक्सपेंडिंग क्यों? क्योंकि ब्रेक शू बाहर की तरफ एक्सपेंड करता है तब ब्रेक लगता है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन है कि आपका फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट एरिया वो इंटरनली है, और ब्रेक शू जो है वो इंटरनली एक्सपेंड हो रहा है, उस बेसिस पे आपका ये क्लासिफिकेशन बनता है। तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन जो थे ये थे, हमने कर रखे हैं ये क्या होते हैं, ड्रम ब्रेक पूरा बता रखा है, डिस्क ब्रेक भी बता रखा है विद एनिमेशन। अब बोलता है एप्लीकेशन के बेसिस पे, तो आपने व्हीकल गाड़ी में देखा होगा दो तरह के ब्रेक हैं, एक तो सर्विस ब्रेक या फुट ब्रेक। यहाँ आपने, यहाँ आपकी स्टेयरिंग है, ठीक है, ये मान लो ये यहाँ पे आपकी स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग के जस्ट नीचे आपका क्लच पैडल और एक्सीलेटर होता है, ठीक है। तो जो आपका ब्रेक वाला है इसको बोलते हैं सर्विस ब्रेक या फुट ब्रेक, क्योंकि आप फुट से ब्रेक लगा रहे हो, या मेन ब्रेक है ये, ठीक है, सर्विस और फुट ब्रेक। एक और ब्रेक होता है, वो कहाँ से लगाते हो? यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा होता है, ठीक है, ये बीच में जो आपका जो गियर मैकेनिज्म को स्विच करने के लिए सिलेक्टर मैकेनिज्म, उसके जस्ट पीछे हैंड ब्रेक होता है, ये हैंड ब्रेक होता है, ये दूसरा ब्रेक है, या पार्किंग ब्रेक बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये पार्किंग ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक कहा जाता है, ये दो, तो दो तरह के एप्लीकेशन के बेसिस पे। अब ये सर्विस ब्रेक, फुट ब्रेक, जब गाड़ी मोशन में है तब तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें गाड़ी को कहीं होल्ड करके रखना है, स्टेशनरी या इंक्लाइंड सरफेस पे होल्ड करके रखना है, यानी स्टेशनरी पोजीशन पे उसे रखना है ताकि वो स्टेशनरी पोजीशन पे मूवमेंट ना ले, तो वहाँ पे हम हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो तरह के एप्लीकेशन है, उसके बेसिस पे हमने ब्रेक को क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। अब ये है आपका ऑन ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। तो फोर्स ब्रेक का, जो ब्रेक लगा रहे हो उसके बेसिस पे जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने ब्रेक को क्लासिफाई किया है, एक सिंगल एक्टिंग ब्रेक, एक डुअल एक्टिंग ब्रेक। सिंगल एक्टिंग ब्रेक क्या है, जैसे मान लीजिए आप, ये आपका ब्रेक लगाने का, ये आपका ब्रेक पेडल है, ये आपका व्हील है, टॉप व्यू से दिखा रहे हैं, एक ये व्हील है, एक ये व्हील है, एक ये व्हील है, और एक ये व्हील है, ठीक है। अगर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, और एक बाइक वाला ले लो एग्जांपल, बाइक वाला भी, ये आपकी बाइक है, ठीक है। तो अगर आप जब ब्रेक लगा रहे हो, सिंगल एक्टिंग वाला देखते हैं, सिंगल एक्टिंग का मतलब है जब भी आप ब्रेक लगाओ तो या तो वो सिर्फ एक व्हील, यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगी हुई है, कहते हैं जब भी आप ब्रेक लगाओगे या तो दोनों पेयर ऑफ व्हील को, दो पेयर ऑफ व्हील को, या सिंगल व्हील को ब्रेक मिले, या तो सिर्फ आगे वाले को ब्रेक मिल जाए, जैसे फ्रंट है ये, तो डिस्क ब्रेक लगाओ, तो दोनों में से या तो किसी एक को भी ब्रेक लग जाए या दोनों को ब्रेक लग जाए, तो वो कहलाए एक पेयर को, या तो एक व्हील को लगे या एक पेयर को लगे, तो तब तो वो कहलाएगा सर्विस सिंगल एक्टिंग ब्रेक। तो जनरली बाइक में, ठीक है, यही वाला सिंगल एक्टिंग ब्रेक सिस्टम मिलता है, और कुछ कार में भी मिलेगा, क्योंकि कार में पेयर में लगता है। जैसे मैं ब्रेक लगाऊं तो जैसे ये व्हील को भी ब्रेक लगे और ये व्हील को भी ब्रेक लगे, तो ये एक पेयर हो गया। तो या तो आप सिंगल एक व्हील को ब्रेक लगा रहे हो, या फिर आप एक पेयर को लगा रहे हो, तो भी वो सिंगल एक्टिंग ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन डुअल एक्टिंग कब कहलाएगा? जब हम ब्रेक लगाएं तो चारों व्हील को ब्रेक लगे, यानी जब मैं इधर से ब्रेक पैडल दबाऊं, ठीक है, फुट से, तो वो इस वाले ब्रेक को, इस वाले व्हील को, ये सारे व्हील्स को आपका फोर्स लगाए, तो चारों व्हील को आप फोर्स लगाओगे, तो इसे कहेंगे ड्यूल एक्टिंग ब्रेक। तो ये ड्यूल एक्टिंग टाइप का हो गया। इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो आप पढ़ लेना, ये मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि तो मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब आप पढ़ सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है कि मैकेनिकल ब्रेक कौन सी गाड़ी में, हाइड्रोलिक कौन सा, एयर कौन सा, ये सारा आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये होता नहीं, माउस मूवमेंट ही ऊपर सीधा उल्टा सीधा कर रहा है। तो आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है।
ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का बता रहा है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो उसकी व्हीकल की जो स्पीड है, 1 मिनट, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है? नो सर, नहीं आ रही आवाज। आवाज़ तो वैसे आप लोगों को तो आती नहीं नहीं, यार, आपको तो वैसे भी नहीं आती। बंद क्यों हो गया भाई ये माउस? एक मिनट, मैंने आज जो किया था उसमें यूज माइक्रोफोन किया था क्या? एक मिनट रुको, दूसरा चला के देखेंगे पता लग जाएगा। A car with only the... हाँ, इसमें आवाज नहीं है, इसमें आवाज रेजिस्टर चक्कर पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है वो आप सबको पता है कि जब भी हम कई गाड़ियों में, जो थोड़ी सी महंगी गाड़ी है उनमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है। क्यों लगा होता है पता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब है कि आपकी व्हीकल अगर कभी स्पीड पे चल रही है और आपको सडनली ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहती है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो बताएगा? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सर, ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि सर अगर सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो जो गाड़ी का मोमेंटम होता है आगे की तरफ होता है। देखो, ब्रेक जब भी हम अप्लाई करते हैं, सीधी सी बात है, क्यों कंट्रोल खराब होता है? सडन लगाओ, कभी भी लगाओ, ब्रेक लगाते हो तो आपका कंट्रोल क्यों घटता है? क्योंकि आपकी गाड़ी जो है उसका टायर जो घूम रहा था ऑलरेडी, वो घूमते घूमते रुक रुक जाता है, घूमना बंद कर देता है, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया है ना। जब आपका व्हील घूमना बंद कर गया तो अब वो क्या खाएगा? रोड पे रगड़ खाएगा, यानी स्लिप करेगा या स्लाइड करेगा, तो स्किड करने लग जाती है। और जब भी कोई चीज स्किड करती है, स्किड करने लगती है, तो वो हमारे, या स्लिप करने लगती है, तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो तब आपको अगर स्टेयरिंग करनी होगी तो आप स्टेयरिंग नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ये व्हीकल है आपका, ठीक है, आपने ब्रेक लगाया, सडनली देखो व्हील आपका स्टॉप हुआ और जाके सीधा टकरा गया। अब ये आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग का एग्जांपल दिखा रहा है। उसमें होता क्या है, जब आप ब्रेक लगाते हो, पहले तो इसको ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप है जहाँ पे दिक्कत आती है। एक, जैसे यहाँ पे देखो, कहीं स्लिपरी चीज गिरी हुई है, लिक्विड वगैरह कुछ भी, ऑयल गिरा हुआ, एक साइड ड्राई फ्रिक्शन है, तो तब आप या तो सडन में, एक तो ब्रेक लगाते हो तब आपको ABS काम आएगा। दूसरा, जब आपका एक साइड में ड्राई है, एक साइड में वेट है, तो उसके वजह से दोनों व्हील में जो फ्रिक्शन मिल रही है वो अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, अभी बताऊंगा थोड़ा सा, मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के साथ। जब एक साइड ड्राई सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जहां स्लिपरी सरफेस है उस पे जो व्हील आएगा उस पे फ्रिक्शन कम होगा। तो जहां आपको मैंने बताया था कि जहां पे आपका व्हील ड्राई सरफेस पे रहेगा, तो वहां आपका टॉर्क आपको कम मिलेगा, क्योंकि जो डिफरेंशियल से टॉर्क मिलता है वो आपका फिर जो स्लिपरी वाला सरफेस है उस पे जाएगा, क्योंकि वो आराम से मूवमेंट ले पा रहा है। तो वहां पे हमें ABS की भी जरूरत पड़ेगी हमें कंट्रोल करने के लिए, कि हम सारे टायर्स को जो हम ब्रेक लगा रहे हैं वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि अब एक स्लिप कर रहा है तो हमारा ब्रेक वहां पे नहीं लग पा रहा, तो हम उसके लिए ABS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि ABS उतना इफेक्टिव नहीं रहता, उसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, EBD बोलते हैं, वो अगला टॉपिक है, पहले सिलेबस में नहीं होता था, अब डाला है उन्होंने, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये बता रहा है कि जैसे ब्रेक लगा रहे हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ABS का। ये मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे इसमें काफी पोर्शन। जब भी आप ब्रेक पेडल दबाओगे, डिस्क ब्रेक दबेगा और ये जाके आपके व्हील को स्टॉप कर देगा। देखो व्हील आपका स्किड करने लगेगा, क्योंकि अब ये रोटेट नहीं कर रहा है, जब आपने ब्रेक दबाया तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से स्किड हो रहा है, और स्किड होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है।
दूसरा एक और ब्रेकिंग सिस्टम, अब एबीएस समझने के लिए आपको एक स्टेयरिंग मैकेनिज्म और समझना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आप बस वीडियो देखो पता लग जाएगा। मैं आपको साथ साथ कि इसका रोलिंग समझना पड़ेगा कि व्हील का रोलिंग कैसे होता है। तो हमने मैंने बताया था कि व्हील का रोलिंग इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में बिटवीन द टायर व्हील और द रोड सर्फेस, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रहती है। ये है कॉन्सेप्ट रोलिंग का। प्योर रोलिंग चल रही है तो स्किड कर रहा है तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर प्योर रोलिंग चल रही है तो यहाँ पे आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो जब भी आपका व्हील रोटेट करता है, एक तो रोटरी मोशन होता है व्हील का जो ग्रीन से दिखाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, आपका व्हील ट्रांसलेटरी आगे भी मूव कर रहा है। तो दो मोशन की वजह से यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। वो कैसे होती है, देखो जब ये नीचे वाले पॉइंट पे आएगा तो देखो ट्रांसलेटरी मोशन आगे की तरफ लगेगा, लेकिन ये ग्रीन वाला नीचे आएगा तो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे और बॉटम पोर्शन पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो वेलोसिटी एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द रोड एंड द व्हील शुड बी जीरो, ये। और यही कॉन्सेप्ट है रोलिंग का। प्योर रोलिंग के केस में हमें ये चाहिए, स्किड ना हो तो। अगर स्किड नहीं करानी है, स्लिप नहीं करानी है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होना चाहिए। पहले ही बताया था मैंने आपको, पहले ही फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। दूसरा, जब भी हम इसको टर्न करेंगे तो चारों व्हील जो एक सेंटर पॉइंट के अबाउट टर्न होनी चाहिए, ठीक है, स्टेयर करते वक्त। ये आपको बताया था, उस सेंटर को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो आपने थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ा और मैंने भी आपको पढ़ा दिया। लेकिन मान लेते हैं चलो व्हील जो है वो आपका सीधा चल रहा है, ठीक है। अब उसे व्हील को मैंने स्टेयर किया लेफ्ट साइड, लेकिन हाइपोथेटिक, तो व्हील आपकी क्या होती है, टर्न कर जाती है लेफ्ट साइड। मैं ये बोलता हूँ मान लेते हैं कि वो टर्न नहीं कर रही और सीधा चले जा रही है, क्या कर रही है, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पीछे से ये भी टर्न करा तो टर्न कर रही है ना। मान लेते हैं एक केस ऐसा है जब व्हीकल आपका सीधा ही चलता जाएगा, हमने स्टेयर कर दिया लेफ्ट साइड, स्टेयर लेफ्ट साइड कर दिया, फिर भी आपका व्हीकल सीधा ही चलते जा रहा है। हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल। तो अब इस केस में क्या होगा, जो रोलिंग की एक रोटेशनल वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, रोटेशन की वजह से पीछे फ्रिक्शनल फोर्स, जो रोलिंग वेलोसिटी जो इसका रोटेशनल था अभी हमने पढ़ा था, वो पीछे की तरफ कहाँ लगेगा, इस तरफ। लेकिन ये गाड़ी टर्न नहीं ले रही है, सीधे चलती जा रही है, इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन कहाँ है, सीधा। तो कि इस टाइम पे क्या दोनों वेलोसिटी बैलेंस हो गई, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जीरो होगी, नहीं होगी। जब वेलोसिटी कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जीरो नहीं होगी तो क्या होगा, आपका टायर स्किड करने लगेगा, और स्किड करता है तो हमारा कंट्रोल हट जाता है, तो स्टेयरिंग जो होती है हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो अगर हमें चाहिए कि वो व्हीकल जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन आगे ना होके इसको भी बैलेंस करे, तो हमें क्या चाहिए, वो इस साइड आए। तो जब हम गाड़ी को टायर को स्टेयर करते हैं तो क्या होता है, आपका जो आगे ट्रांसलेटरी मोशन था वो इस साइड हो जाता है, और ये इस साइड होने की वजह से इसको बैलेंस आउट कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप स्टेयरिंग व्हील को इस साइड टर्न करोगे लेफ्ट साइड, तो ये सीधा होने की वजह, ट्रांसलेटरी मोशन आगे होने की वजह इस साइड क्यों होगा, तो वो तभी, वो कब होगा, वो तभी होगा जब हम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जो हमने माना था कि भाई सारे व्हील सिर्फ एक ही सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करने चाहिए, जो कि ये, जब सारे व्हील एक ही सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे तब ये जो स्टेयरिंग का जो पोर्शन था, जो ट्रांसलेटरी मोशन आगे था, वो आगे ना होके ये व्हील के साथ इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगा, जो कि रोटेशनल वेलोसिटी जो पीछे लग रही थी उसके बिल्कुल अपोजिट में आगे की तरफ ऐसे लगेगी। तो हमारा क्या होगा, अब टर्न कर सकता है, वो तभी टर्न करेगा जब ये सारी रोटेशनल वेलोसिटी सभी टायरों की आगे वालों की उसी डायरेक्शन में रहे, ताकि बैलेंस करे। और वो तब हो सकता है जब ये चारों व्हील का जो सेंट्रल एक्सिस है वो एक्सिस सभी एक कॉमन पॉइंट पे कट करे, यानी एक ही इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट ये रोटेट करे। क्या हो गया, ये एक ही सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, ठीक है। तो ये हमें समझना, जैसे अभी रोटेट कर रहा तो एक ही सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है चारों, तो इस टाइम पे हमारा जो ट्रांसलेटरी मोशन है रिलेटिव रोटरी मोशन के अपोजिट में बैलेंस आउट करेगा, और हमारा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका आपका प्रिंसिपल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग फॉलो करेगा, और जब कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग फॉलो करेगा तो स्किड नहीं होगा, रोल होगा। जब रोल होगा तो आपका गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। अब बात यह है कि जब आप ब्रेक लगाते हो स्टेयरिंग करते वक्त, स्टेयरिंग करते वक्त ब्रेक लगा रहे हो, अब ये स्किड कर रहा है, ठीक है, व्हील आपका रोटेट करना बंद कर गया। आप समझना ये क्यों बताया मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग, एबीएस में समझने के लिए सबसे काम की बात है। जब हमने ने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो गाड़ी रोल होना बंद कर गई, तो गाड़ी रोल, ट्रांसलेटरी मोशन, व्हीकल सीधा चल रहा था तो ट्रांसलेटरी मोशन सीधा था,
लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो आपका ये व्हील डिस्क ब्रेक दबेगा और उसकी वजह से व्हील रोटेट होना बंद कर देगी, और रोटेट होने की वजह से ये रोटेशनल वेलोसिटी जो पीछे लग रही थी क्या अब लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि रोटेशनल वेलोसिटी है ही नहीं, अब रोटेट कर ही नहीं रहा, देखो रोटेट नहीं कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा, तो रोटेशनल वेलोसिटी जो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ थी, अब जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट था, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट था वो पीछे की तरफ जो रोटेशनल वेलोसिटी की वजह से, ये रोटेशनल वेलोसिटी की वजह से जो पीछे रोटेशनल वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी लग रही है वो आपकी होगी जीरो, क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा ब्रेक लगाते वक्त, अब सिर्फ आगे वाली रह गई है और वो इंक्लाइंड है या जो भी है वो अभी हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो आपकी एक वेलोसिटी आगे की तरफ चल रही है जो आपका क्या करेगी, सीधा आप अब टर्न करना चाहते हो, गाड़ी को टर्न करना चाहते हो, टर्न ही नहीं हो पा रही, सीधा जाके आगे जहाँ पे आप जिससे बचना चाह रहे थे, स्पीड आपकी ज़्यादा है, ब्रेक लगा दिया, लेकिन अब ये रुक, ब्रेक से फ्रिक्शन तो बढ़ गया है लेकिन ये रुकने नहीं पा रही है क्योंकि स्किड होती जा रही है, और स्किड होने की वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मान लो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि मान लो आप यहाँ से आ रहे हो, ये रोड है, ठीक है, ये पूरा रोड है, ये आपका व्हीकल है, अब यहाँ पे कुछ आगे गाड़ी गिरी हुई है या कुछ भी गिरा हुआ है या बैरिकेड लगा हुआ है, अब आपने सडनली देखा यहाँ पे जब आप किसी वेलोसिटी से थे, वी वेलोसिटी से, उस टाइम पे आपने देखा कि भाई आगे कुछ ना कुछ बैरिकेड है, आपके रास्ते में कुछ ब्लॉकेज है, तो आपने ब्रेक लगाना शुरू किया, लेकिन ये क्या हुआ, स्किड करते करते नॉर्मल केस में क्या होगा, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो ये जाके इससे टकरा जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने जब वो स्टेयरिंग करने के लिए लेफ्ट टर्न लिया था, ये जो लेफ्ट टर्न लिया था इसकी वजह से इस साइड नहीं जा पा रही क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की तरफ है वो जीरो हो गई क्योंकि आपका रोटेट करना बंद कर गया, ब्रेक लगा थी, और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन आगे वाली है, और वो आगे वाली है उसको आगे ही घसीट रही है, इस साइड आप ले ही नहीं पा रहे क्योंकि टायर आपका रोल नहीं कर रहा, अगर ये रोल करता तभी आपका व्हीकल लेफ्ट टर्न ले पाता, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रेक लगाते वक्त ये दिक्कत होती है कि आपकी गाड़ी पे आप ब्रेक लगा रहे हो और स्टेयरिंग करते वक्त लेफ्ट टर्न भी घुमाना चाह रहे हो तो भी ये लेफ्ट नहीं जाएगी, सीधा यहीं जाके टकराएगी। लेकिन अगर आपने ABS लगा रखा है तो ABS से होता क्या है, ABS से ना बीच बीच में क्या करता है, एक सेंसर होता है, वो सेंसर इसको सिग्नल भेजता रहता है डिस्क ब्रेक के बाद कि भैया रिलीज कर देता है प्रेशर को, यानी ब्रेक जो लगा हुआ है उसको छोड़ता रहेगा, जब आप चलती रहेगी गाड़ी तो भी इस पे ब्रेक जो लगा रहा है वो धीरे धीरे बीच में बंद होता रहेगा, जैसे ही बंद होने लगेगा रुक जाएगा, तो आपका व्हील इंटरमिटेंटली कभी चलेगा कभी रुकेगा, कभी चलेगा कभी रुकेगा, मतलब पूरी तरह से स्टॉप नहीं होगा इसका रोलिंग, तो रोलिंग पूरी तरह से स्टॉप नहीं होगी, तो जब ये थोड़ा थोड़ा बीच में इंटरमिटेंट चलेगा तो उसकी वजह से आप जब इसको स्टेयर कर रहे हो लेफ्ट साइड राइट साइड तो ये राइट साइड में स्टेयर होने लगेगा, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आपका तो ये नॉर्मल केस है, जब आप नॉर्मल ब्रेक लगा रहे हो तो ये टर्न नहीं कर पा रहा क्योंकि व्हील आपका रोटेट नहीं कर रहा, तो उस साइड लेके जाना चाहते हो वो जा नहीं पा रहा और सीधा जाके इससे टकरा गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने ABS लगा रखा है, ठीक है, अभी एक और चीज, ये एक और इशू बता रहा है कि मान लो एक साइड में ड्राई है और एक साइड में वेट है, तो उसकी वजह से भी इंस्टेबिलिटी इशू आता है ब्रेक लगाते वक्त, एक में फ्रिक्शन ज्यादा है उस साइड वाले ज्यादा है, जहां ड्राई सरफेस है जहां पे स्लिपरी सरफेस है वहां फ्रिक्शन कम है, तो होगा क्या, जैसे अगर आप यहां पे देखो, मैं आपको यहीं पे एक डायग्राम में दिखा देता हूं हाईलाइट करके, से नहीं हो पाएगा, जैसे मान लो यहीं पे इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा पीछे ले जाके, ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए, जैसे यहाँ पे अब मैं एक फोर्स से दिखाता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, ड्राई सरफेस था इधर उस साइड वाले राइट साइड वाले टायरों के पास, तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, यहाँ स्लिपरी सरफेस है तो यहाँ फ्रिक्शन कम रहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स लगाओगे वो मान लो इतनी लग रही है, मैग्नीट्यूड के वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, इतनी लग रही है, तो उस साइड में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपका ग्रिप अच्छा है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो ये बड़ा इसके लेंथ जो है वो इस फोर्स की वेक्टर बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इस वाले टायर में और इस वाले टायर में ज़्यादा है, इस वाले टायर में आपका कम है, इस वाले टायर में आपका फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है, तो ये फोर्स ज्यादा है, ठीक है, F1 और F1, इस साइड वाले क्या है, कम है, F2, ये सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों की इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है,
तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या होगा, इस साइड में ये इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा और ये वाला इस तरह, क्योंकि इस साइड फ्रिक्शन फोर्स कम है, इस साइड फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, तो ये इस तरह से टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा और आपका जो टॉर्क है वो इस तरह से कहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह से आपका मूव करना शुरू कर देगा, टॉर्क लग जाएगा, ये इस तरह से टॉर्क लगेगा और ये इस तरह से रोटेट करने लगेगी और वही मोशन यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगी। ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक लगाते वक्त अगर दोनों दोनों व्हील अलग अलग व्हील अलग अलग फ्रिक्शन पे हैं तो सबको टॉर्क जो है वो अलग मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी कम अलग अलग लगेगी, तो उसकी वजह से इस तरह से रोटेट करने लगेगा और ये टॉर्क मोशन की वजह से होता है। ये देखो, ये दिखा रहा है फोर्स, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, यहाँ फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ग्रिप अच्छी है तो वहां पे आप ब्रेक लगाओगे अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगाओगे उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, कम फोर्स लगेगा तो ये टॉर्क लगने लग जाएगा और ये इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी आपके। अब इनको रोकने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करेगा, ये देखो, जैसे ही ये ब्रेक लगाया, सिग्नल दे दिया सेंसर से, अब ये ब्रेक रोलिंग देखो, इसकी रोलिंग कैसे हो रही है, एक बार चल रहा है एक बार रुक रहा है, बीच बीच में कंटिन्यूस नहीं है। देखो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जब भी आप लगाओगे या एक्टिवेट करोगे तो ब्रेक पूरी तरह से बंद नहीं होगा। ये हमारा कंट्रोल क्यों खराब हो रहा था, क्योंकि हम पूरे व्हील को जब भी ब्रेक लगाते थे तो पूरा बंद हो जाता था। अब यहाँ पे ये मॉड्यूलेटर यूनिट है, ये क्या करता है, सेंसर से जैसे ही उसे पता लगता है कि ये व्हील ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक लगाते वक्त जब आप ये व्हील बंद होने लगता है, जब इसकी रोटेशनल वेलोसिटी बंद जीरो होने लगती है, ट्रांसलेटरी मोशन तो रहेगी लेकिन रोटरी वेलोसिटी जो पूरी बंद हो जाती है, उसकी वजह से जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां पे वो प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग को फेल कर जाता है। तो हमें चाहिए कि व्हील जो है वो पूरा रोल होना बंद ना हो, तो रोलिंग वेलोसिटी कम ना हो, तो जैसे ही रोलिंग वेलोसिटी उसकी जीरो होने लगती है तो सेंसर जो है मॉड्यूलेटर यूनिट को एक सिग्नल भेजता है कि भाई आपकी वेलोसिटी खत्म होने, जीरो होने वाली है रोलिंग वेलोसिटी व्हील की। तो ये क्या करता है, इधर से एक सिग्नल भेजता है डिस्क ब्रेक को, ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ से इसके ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ था मास्टर सिलेंडर की वजह से, जो भी प्रेशर, ठीक है, अगर हाइड्रोलिक यूज कर रहे हो आप तो वो प्रेशर को रिलीज कर देता, तो क्या होता है, ब्रेक बीच में फिर जो लगते लगते बंद होने वाला था अब वो रुक जाता है और फिर हट जाता है ब्रेक, तो ये क्या होता है, बीच बीच में रुकेगा चलेगा और फिर से ब्रेक लगेगा फिर चलेगा, ऐसे ये चलता रहेगा। ये देखिए, बीच बीच में रुकता जा रहा है चलता जा रहा है, बीच में रुकता जा रहा है चलता है। अब इससे फायदा क्या होगा कि रोलिंग इसमें अभी भी है, जब आप ये रोल करते वक्त रोको, ये रोल भी हो रही है तो अब रोटेशनल वेलोसिटी भी रहेगी साथ में पीछे की तरफ, ऐसे इंटरमिटेंट रोटेशनल वेलोसिटी, कंटिन्यूस नहीं है, इंटरमिटेंट है, क्योंकि आप रुक रुक के ब्रेक उससे लग रहे हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से। और एक ट्रांसलेटरी मोशन है आगे की तरफ, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको रोकना चाहोगे, आप देखो आगे यहाँ पे ये आपका आ गया, लेकिन आपने ये रोटेट भी कर रहा है, तो आप जब स्टेबिलिटी के लिए स्टेयर कर रहे हो तो इस थोड़ी सी रोटेशनल की वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे स्लाइड होने लगेगा साइड में, क्योंकि आपका कंट्रोल रहेगा उसकी वजह से, और ये इस तरह से आप बचा लो, क्योंकि आपने इस बार आपकी व्हील की जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्प करता है आपको, स्टेयरिंग ब्रेक लगाते वक्त भी आपका स्टेयरिंग पे कंट्रोल रहे तो एंटी लॉक ब्रेकिंग आपका हेल्प करता है। लेकिन एक और बात है, एंटी लॉक ब्रेकिंग का बोलते हैं कि अगर दोनों व्हीकल को मैं एक ही टाइम पे छोड़ दूं, मान लो अगर ये दोनों व्हीकल हैं, एक विदाउट एबीएस और एक विद एबीएस, तो मैं इन दोनों पे एक ही टाइम पे ब्रेक लगाता हूँ, दोनों सेम स्पीड पे रोटेट कर चल रही हैं, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है, जो कितने कम डिस्टेंस में ये जाके स्टॉप होगी, तो वो एबीएस में कम आता है। तो क्वेश्चन है कि भैया एबीएस में कम क्यों आता है, विदाउट एबीएस वाले में क्यों आएगा, क्योंकि इसमें तो रोलिंग भी कर रहा है, तो रोलिंग कर रहा है तो नेचुरली एबीएस जो विदाउट एबीएस है जिसमें रोल नहीं कर रहा, उसमें तो गाड़ी जल्दी स्टॉप होनी चाहिए, एबीएस वाले में थोड़ी देर में होनी चाहिए, तो डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो वो एबीएस का ज्यादा होना चाहिए और विदाउट एबीएस का कम होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, मैं ये कह रहा हूं अगर आपका ये एक विदाउट एबीएस व्हीकल है और ये विद एबीएस व्हीकल है, ठीक है, तो यहां से मान लो ये दोनों 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी, दोनों पे सेम फोर्स से ब्रेक लगाया, तो ये जो विदाउट एबीएस वाला है, ये विदाउट एबीएस वाला है, ठीक है, और ये विद एबीएस वाला है, तो इन दोनों में से जो डिस्टेंस है वो इसका, अगर मान लो ये यहाँ पे रुक रही है तो एबीएस वाली कहाँ रुकनी चाहिए, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसमें रोटेशनल वेलोसिटी है तो नेचुरली ये दूर रुकनी चाहिए, इसमें तो सडनली ब्रेक लगा दिया, फ्रिक्शन इसमें ज्यादा हो गया तो ये रुकनी चाहिए पहले, और लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा, लेकिन उल्टा होता है, ये पहले रुक जाएगी, ये इससे, अगर आपकी ये व्हीकल विदाउट एबीएस यहाँ रुक रही है
तो आपका कम से कम एबीएस वाला इससे पहले रुक जाएगा। अब ये रीजन क्या है इसका, कि ये इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ये और इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसके मुकाबले एबीएस का कम क्यों होता है, मिनिमम क्यों होता है, उसका रीजन है, वो रीजन हम समझेंगे यहाँ पे। टाइम हो गया, बस ये खत्म कर देते हैं। आपका आज तो क्लास भी नहीं है, अब ये देखो दो चीजें बता रहा है, एक ग्राफ बना रहा है स्लिप रेशियो और यहाँ पे एक मिनट, ये स्लिप रेशियो है एक्स एक्सिस में और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेचुरली जब आपका व्हील रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जब आपका व्हील रोटेट नहीं करता और सरफेस के ऊपर ट्रांसलेटरी मोशन है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होती है उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि रोल तो हो नहीं रहा। और अगर ये रोल कर रहा है, रोल करते वक्त जो फ्रिक्शन हो रही है सरफेस पे और व्हील के बीच में, उसे बोलते हैं प्योर रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अभी प्योर रोलिंग के टाइम पे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन स्लाइडिंग, जब प्योर स्लाइडिंग हो रही होगी, यानी ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा, रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो प्योर रोलिंग का केस यहाँ इस एक्सिस में स्लिप रेशियो जीरो रखने के टाइम पे आएगा प्योर रोलिंग, और जब हम प्योर ये स्लिप रेशियो वन रखेंगे तो होता है प्योर स्लाइडिंग, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम ग्राफ बना के देखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा प्योर रोलिंग के, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा प्योर रोलिंग के केस में आपका आ रहा है, देखो। अब ये स्लाइडिंग के केस में यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इतना फ्रिक्शन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना रहेगा, ये ऑरेंज कलर से दिखा दिया, और प्योर रोलिंग के केस में इतना रहता है। लेकिन अगर आपका व्हील इन दोनों के बीच में, रोलिंग और प्योर स्लाइडिंग दोनों के बीच में चल रहा है, तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एबीएस लगाता हूं, तो ये शेप डिफॉर्मेशन ये समझने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल ये समझो कि ये अलग अलग पॉइंट है जो आपका फ्रिक्शन को बताता है। लेकिन अगर मैं एबीएस लगाता हूं, तो ये बोलते हैं जनरली आपका जो फ्रिक्शन है ये टायर का वेरी जो कर रहा है, ये टायर है ना, ये सॉलिड मटीरियल नहीं है, तो सॉलिड मटीरियल नहीं है तो उसकी डिफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, वो जो ग्राफ आ रहा था वो ना आके ये इस तरह का ग्राफ बनता। तो सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली आपका स्लिप रेशियो होता है 0.12, यानी 12%, 0.12। तो 0.12 के रेस्पेक्ट में आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपको गाड़ी को जल्दी रोकना है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कितना रहना चाहिए, 0.12। और एबीएस जो डिजाइन किया गया वो इस 0.12 के बेसिस पे ही डिजाइन किया गया। तो ये वाले पॉइंट के हिसाब से हमने एबीएस को जब डिजाइन किया है, तो वो इसके हिसाब से, यानी सबसे हर टाइम पे इतना मैक्सिमम आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, इतना, जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, उतना गाड़ी जल्दी स्टॉप होगी, और स्लाइडिंग जो हमारा नॉर्मल जो व्हील जो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम उसके हिसाब से इतना ब्रेक लगता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब स्लाइडिंग वाला केस है ये स्लाइडिंग वाला, तब हमारा फोर्स रहेगा इतना, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के इसके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, तो हमारा फोर्स इसके रिस्पॉन्ड में इतने इसके हिसाब से वैल्यू आएगी फोर्स की। लेकिन जब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आप लगाओगे, 12% बेसिस स्लिप रेशियो के हिसाब से काम करता है, यानी मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलता है उस टाइम पे। और जब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जब 12% स्लिप रेशियो के हिसाब से काम करता है, तो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो सबसे पीक वाली वैल्यू थी, इसीलिए गाड़ी जो है वो जल्दी आके स्टॉप करती है, ठीक है। और अब ये जो रोटेशनल होता है, जिसकी वजह से एक साइड में स्लाइडिंग सरफेस है, एक साइड में स्लिपरी सरफेस है, एक साइड में अच्छा ग्रिप है, तो वेरिएशन ऑफ रोड सरफेस ड्यू टू विच द वेरिएशन ऑफ फोर्सेस ऑकर्स, फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होते हैं, उसकी उसको कंट्रोल करने के लिए, जो इंस्टेबिलिटी टॉर्क पैदा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी छोड़ देते हैं, टाइम हो गया आपका। अच्छा भाई एक बात बताओ, कितने लोग प्रेजेंट है, जाना मत अभी, आप लोगों को जब बुलाया जाता है आप में से मोस्टली आते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आते, प्रशांत सिद्धू, यस सर, हर्षित, गौरव, यार मीटिंग जब मैं बुलाता हूँ आया करो, नकुल सारे ऑन कर लो, अपना म्यूट ऑन कर लो, जिसके पीछे बैक साइड में आवाज नहीं आती हो ऑन कर ले सारे। आप लोग आते क्यों नहीं भाई जब मीटिंग में बुलाता हूँ, या तो देखो दो चीजें हैं,
अभी तक तो मैं कुछ नहीं किया क्योंकि आप लोग मुझे ठीक लगते हो, लेकिन अब जो इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कारण ये कि मैं यहाँ पे आपको रोज़ मैसेज कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम दे लो, आपने रजिस्टर खुद किया हुआ है, फिर आप देते भी नहीं हो टेस्ट। मेरे को एक बात समझाओ बस, मैं आपको वैसे पर्सनली बोलना चाह रहा हूँ, कॉलेज का भूल जाओगे, मैं कॉलेज की तरफ से बोल रहा हूँ आपको। ये रिकॉर्डिंग बंद कर लो अभी। रिकॉर्डिंग बंद कर लो भाई, जिसने ऑन करी है। किसने स्टार्ट करी है रिकॉर्डिंग?